पर अब बड़ी तेजी से काम शुरू हो गया है लोगों को राहत पहुंचाने के लिए। सबसे पहले तो ये कि वहाँ पे चार सब डिविजन है, तो नॉर्मल सब इंस्टेंसेस में चार जो अफेक्टेड हैं, चार सब डिविजन में चार SDM होते हैं, लेकिन उन चार SDM के एरिया में हमने 18 SDM दिन के टाइम में हमने पोस्ट कर दिए हैं। SDM नाइट मजिस्ट्रेट्स वहाँ पे लागू किए हैं ताकि कहीं स्ट्रीट लाइट काम नहीं कर रही, कहीं पे रात को अगर किसी भी तरह की राहत की ज़रूरत है। दूसरा, खाना बहुत बड़े स्केल के ऊपर हम बांट रहे हैं, तो आप लोगों की किसी से भी मदद की ज़रूरत है। अगर कहीं पे किसी को भी खाने की ज़रूरत है आप हमें बताइए। खाना बंटना चालू हो गया है, तो आज भी कई सारे ट्रक्स गए थे वहाँ पे उस एरिया के अंदर खाना देने के लिए। NGOs की बहुत बड़े स्केल पे मदद मिल रही है और RWS की भी मदद मिल रही है। विधायकों से हम पूछ रहे हैं, जहाँ जहाँ वो बता रहे हैं, विधायक बता रहे हैं, NGOs बता रहे हैं, RWS बता रहे हैं, उन सभी इलाकों के अंदर हम लोग खाना पहुँचा रहे हैं। खाने के साथ साथ जो लोग डिसलोकेट हो गए, जिनके घर पूरी तरह से जल गए हैं या जो घर नहीं जा पा रहे, उनके रहने की टेम्पररी व्यवस्था हम लोगों ने अपने रैन बसेरों में, तो 9 रैन बसेरों में हम लोगों ने इनके रहने की व्यवस्था की है और लोकल कम्युनिटी सेंटर्स के अंदर उनके रहने की व्यवस्था की है। और अभी कहीं से फोन आया था कि कुछ और लोग हैं जिनको मदद की ज़रूरत है, तो उनके लिए अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम टेंट भी, टेम्पररी टेंट्स की भी व्यवस्था कर रहे हैं। जिन लोगों के घर पूरी तरह से जल गए हैं या सब्सटैंशियली जल गए हैं, काफ़ी जल गए हैं, उनको तुरंत इस टाइम पैसे की ज़रूरत होगी क्योंकि उनका सब कुछ जल गया है। तो कल दोपहर से 25,000 रुपये कैश ऐसे लोगों को हम ऑन द स्पॉट एक्सग्रेशन रिलीफ हम देना शुरू कर देंगे ताकि वो अपनी ज़िंदगी बसर करना चालू कर दें। और बैलेंस जो उनका है वो असेसमेंट हम कोशिश करेंगे।